दोस्तों महिला लोमश एक पब्लिक चैनल से। दोस्तों आज मुमरा के अंदर एक नाकाबंदी के दौरान जो है एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो वो विदेशी है, नाइजीरियन है, और दूसरी चीज़ यह है कि वो ड्रग्स के साथ जो है वो पकड़ा गया है, जो कि मतलब तकरीबन एक 3-3.5 लाख रुपए के आसपास में वो ड्रग्स की कीमत बताई जा रही है कुछ। और दूसरी चीज़ यह है कि ड्रग्स के ऊपर से मुमरा कौसा के अंदर कई सारे केसेस खुलासा हुए हैं और कई सारे लोग पकड़े गए हैं। तो ये कहाँ से इतने सारे पकड़ने के बाद भी इतने सारे लोगों की कितनी हिम्मत मतलब बढ़ रही है कि हाँ एकदम खुले आम जो है लेके आते हैं, और इसका डीलर कौन है, इसको मतलब कहाँ बेचा जाता है, ये बहुत बड़ा अभी भी सवाल जो है। अब किस तरीके से इतना खुले आम जो है ये लोग इतना ड्रग्स का नशे का कारोबार जो है करते हैं, और इनको कोई पुलिस का या किसी चीज़ का खौफ नहीं है। तो आइए इसी लिए जो है मुमरा पुलिस स्टेशन में डीसीपी और एसीपी साहब ने और वहाँ के जो सीनियर पीआई मधुकर कर साहब ने उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखा, और कॉन्फ्रेंस में जो है सारे पत्रकारों को जानकारी दी है। तो आइए हम सुनाते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और किस तरीके से मतलब पकड़ा गया है। हम उसके खिलाफ जो एफआईआर हुआ है उसकी कॉपी भी हम लगा रहे हैं और आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो आइए सुनिए कि किस तरीके से वो पकड़ा गया और क्या इसके ऊपर अभी आगे कार्रवाई चालू है। खबर आई थी कि कोई फॉरेन नेशनल उमरा में एमडी ड्रग्स बेचने के लिए आ रहा है। उस खबर के आधार पर उन्होंने वाई जंक्शन पे ट्रैक लगाया और एक नाइजीरियन नेशनल को पकड़ा है, और उसके कब्जे से 133 ग्राम्स एमडी ड्रग्स जब्त किया है, और आगे की कार्रवाई अभी शुरू है। एक ही है, यही है पकड़ा गया, एक ही आदमी। किसको देने आया था सर? डिलीवरी या बेचने? वो भी इन्वेस्टिगेशन। हाँ, वो भी इन्वेस्टिगेशन है। इसकी कुल कितनी कीमत है सर? करीब 3 लाख के करीब उसकी कीमत है। इसके और भी कहीं केसेस है सर? नहीं, अभी वो सब तकलीफ जब हो गई तो उसमें निकलेगा, कुछ रिकॉर्ड है ही नहीं है। मुंबई पुलिस से भी हम कांटेक्ट करेंगे इसके बारे में। वारदात बहुत सारी हुई है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं है अभी। और आज जो नार्कोटिक्स एंटी नार्कोटिक्स डे भी है, उस डे पर ये बड़ी कार्रवाई मुमरा पुलिस ने बहुत कुछ नहीं किया। अभियान के तहत कार्रवाई हो रही है या ऐसे ही हो रही है कार्रवाई? नहीं, ये वैसे तो मुमरा पुलिस में आपको पता है गेले लास्ट 2-3 महीने में बहुत सारी कार्रवाई हुए, उसका ये एक पार्ट है। लेकिन इसका इम्पोर्टेंस ये है कि एंटी ड्रग्स एंटी नार्कोटिक्स डे जो है उसी दिन पे ये कार्रवाई हुई, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। उससे कुछ जुड़ा हुआ ये मामला है सर? नहीं, उसका और इसका कुछ संबंध ऐसे वो इंटरनल ऑफिसर कम थे उनके जमाने में, बड़ा डिसीजन नहीं मतलब ये तो रूटीन है। और यहाँ पे अभी ये जो नशे का प्रश्न है उसका प्रमाण ज़्यादा, इसलिए कड़ पीआई ने सेपरेट स्क्वाड निकाल के अभी कार्रवाई कर रहे हैं, और सभी कार्रवाई हमारे सीपी सर हैं उनके मार्गदर्शन से जो भी अभी तक कार्रवाई हुई है उनका बहुत योगदान रहा है, मार्गदर्शन रहा है। मैं लालू मशेक फिर एक नई न्यूज़ के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।